हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक इंडिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको टेक वीडियोस में ये बताने जा रहा हूँ, जो आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं मेरे ये कीबोर्ड है। इस कीबोर्ड में मैं चाहता हूँ कि मेरे पसंद का कोई थीम लग जाए या मेरा ही फ़ोटोग्राफ्स इसमें लग जाए, इस बैग में मेरा फ़ोटोग्राफ्स आए। जबकि देख रहे हैं अभी आप सिंपल है ये, तो ये कैसे करेंगे आप? यदि आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो सारे एंड्रॉयड मोबाइल में फंक्शन है, बहुतों को पता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अलावा देखिए यही कीबोर्ड, सेम कीबोर्ड आपके यदि व्हाट्सएप भी आप करते हैं तो देखिए कीबोर्ड भी बहुत सिंपल है आपका। तो चलिए हम कोशिश करते हैं और कैसे करते हैं कि इसमें कोई थीम लग जाए या कोई फ़ोटोग्राफ्स लग जाए, तो शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले आपको जाना होगा सेटिंग में। सेटिंग में जाइए, सबसे पहले सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग के बाद आपको जाना होगा लैंग्वेज एंड इनपुट्स में, इसमें गए आप। इसके बाद जाएंगे वर्चुअल कीबोर्ड में। वर्चुअल कीबोर्ड के बाद आप जाएंगे जी बोर्ड मल्टी लिंगुअल टाइपिंग, इसमें क्लिक करेंगे आप। इसमें जाएंगे थीम में, थीम के बाद देखेंगे माय थीम्स, ये होगा। दूसरा चीज़ कलर्स, यदि आप डिफरेंट कलर्स यूज़ करना चाहते हैं। अभी देखिए आप मेरा जो अभी कलर था वो ये फर्स्ट जो टिक लगा हुआ इस कलर का था। रेड करना चाहते हैं रेड कर लीजिए, ग्रीन करना चाहते हैं ग्रीन कर लीजिए, या डाउनलोड करना चाहते हैं आप तो यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। और तो चलिए हम अपना कोई माई थीम लगाते हैं। माई थीम लगाने के लिए मैंने क्लिक कर लिया और हम चाहते हैं कोई भी इसमें लग जाए फ़ोटोग्राफ्स, कोई भी आप चाहते हैं कि कोई फ़ोटोग्राफ्स लग जाए। चलिए हम ये गुड मॉर्निंग का लगा लेते हैं, हम चाहते हैं गुड मॉर्निंग का है, गुड मॉर्निंग का ही लग जाए, इस तरह का लग जाए। यदि आपका पास अपना अपना फ़ोटो करना चाहते हैं तो फ़ोटो लगा लीजिए, ऐसे कर सकते हैं छोटा बड़ा, या ऐसे ऐसे कर सकते हैं। ये कीबोर्ड के साथ ऐसे ही होगी। तो इसको बाद इसको नेक्स्ट करना होगा आपको। नेक्स्ट करने के बाद आपको ये ब्राइटनेस एडजस्ट करना होगा, ये ब्राइटनेस कितना चाहिए, कम चाहिए ज़्यादा चाहिए, आप अपने हिसाब से इसको कम बेस ज़्यादा कर सकते हैं। हम इतना पर रखना चाहते हैं, ठीक है। फिर हम इसको डन करते हैं। डन ये हो चुका है। अब इसको आप अप्लाई कर लीजिए कीबोर्ड पे, इस तरह का आएगा, अप्लाई कर लीजिए। ये अप्लाई हो चुका है। चलिए अब चेक करते हैं हम लोग। हम गए इसमें, अब चलते हैं अपने व्हाट्सएप में। देखिए हमारे पास एक ये थीम है, उस तरह का आ चुका है। आप देख सकते हैं इसके बैकग्राउंड में एक थीम है। आप देख सकते हैं कि जैसा मैं चाहा वैसा ही बैकग्राउंड कीबोर्ड के बैकग्राउंड में शो कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा आप कोई भी यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम के जो कीबोर्ड है आपका, इसमें भी देखते हैं आप इस तरह का लुक आपके कीबोर्ड के बैक में आ रहा है, बैक साइड में। तो दोस्तों यदि आपने ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और टेक इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज़ आप इस चैनल पर देख सकें। और प्लीज़ दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। बाय बाय।